हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग बात करेंगे ओपन इकनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के बारे में तो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट का ये दोनों टॉपिक है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट का वीडियो आपने देख लिया होगा इसके पहले तो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं और कहीं कहीं ये ट्रेड बैलेंस भी लिख के आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड लिख के आए चाहे ट्रेड बैलेंस लिख के आए दोनों के आंसर आपके सेम रहेंगे उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट्स है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ इन्विबल्स तो याद रखिएगा कि करेंट अकाउंट का कंपोनेंट है गलती से कैपिटल अकाउंट में मत लिख दीजिएगा करेंट अकाउंट का ही ये कंपोनेंट है तो अब आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ़ द गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ये डिफरेंस होता है किसका वैल्यू ऑफ़ एक्सपोर्ट कितने का आपने एक्सपोर्ट किया है और कितने का आपने अपनी कंट्री से इम्पोर्ट किया है मतलब एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया टेन लाख रुपीज़ का और इम्पोर्ट किया थ्री लाख रुपीज़ का तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा सेवन लाख ,00 मतलब एक्सपोर्ट में से आप इम्पोर्ट को माइनस कर दोगे जो डिफरेंस आएगा उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ एन इंटेंट एंटर्ड एज द क्रेडिट आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड तो सिंपल सी बात है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आप करते हो तो उसको हम लोग क्रेडिट आइटम में मानते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आना है ठीक है तो उसको हम लोग क्रेडिट आइटम्स इन बैलेंस ऑफ ट्रेड मानते हैं वेयर एज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इस एंटर इंटर डेबिट आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड तो अब अब अब, अब जब इम्पोर्ट करते हो तो आपको पेमेंट करना होता है तो इस कंडीशन पे इसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं डेबिट आइटम्स में लिखते हैं तो आपने क्या यहाँ पे समझा बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक डिफरेंस कितना आपने एक्सपोर्ट किया है और कितना आपने इम्पोर्ट किया उसका जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है हमने एग्जाम्पल की मदद से समझा कि हमने एक्सपोर्ट किया टेन लाख रुपीस का इम्पोर्ट किया थ्री लाख रुपीस का ठीक है तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो गया सेवन लाख रुपीस हो गया तो अब जो हमने एक्सपोर्ट किया है टेन लाख रुपीस का उसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड और जो हमने इम्पोर्ट किया है बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो उसको हम वो दिखाएंगे डेबिट साइड मतलब जो हमारी पॉजिटिव चीज़ है जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारे कंट्री के लिए पॉजिटिव होता है ना कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ढेर सारी करेंसीज़ आएंगी फॉरेन करेंसीज़ आएंगी तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल चीज़ होती है तो इसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे और जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे कंट्री से करेंसी जाती है तो इसी हम उसको कहाँ दिखाएँगे डेबिट तरफ दिखाएँगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जब भी कोई डेफिनेशन आता है तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन आप इसमें लिखोगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है साथ ही साथ डेबिट और क्रेडिट टर्म्स को भी आप समझाओगे उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर गुड ये हो गया उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस तो ट्रेड बैलेंस भी इसको कहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड लिख के आए या फिर ट्रेड बैलेंस लिख के आए सेम आंसर आपको लिखना होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेट टू बी इन द बैलेंस वेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर इक्वल टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सब सिंपल सी बात है अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कब बैलेंस होता है तो कब बैलेंस होता है जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर होता है तब तो कोई मैं जब निगेटिव पॉजिटिव आया ही नहीं तो वो बैलेंस हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड कब बैलेंस होता है जब आपका एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट होता है और सरप्लस कब होता है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस विल अराइज इफ द कंट्री एक्सपोर्ट मोर तो सरप्लस का मतलब एक तरीके से क्या होता है प्रॉफिट होता है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉफिट में कब आता है तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये पता होना चाहिए सिंपली जब हम ढेर सारा एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा इम्पोर्ट कम रहेगा तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रहेगा यादि मतलब सरप्लस रहेगा तो देखिए लिखा हुआ है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड ट्रेड सरप्लस विल अराइज इफ़ द कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स दैट वॉट इज इम्पोर्टेड तो इसको बैलेंस सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग ट्रेड सरप्लस भी कहते हैं तो uh, कुछ, एक ही क्वेश्चन मतलब अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन आपको सेम uh, आंसर लिखना है तो सिंपल सी बात है सरप्लस वर्ड होगा तो आप बोल दोगे कि ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो सरप्लस आएगा और इम्पोर्ट कम होगा और उसी का अपोज़िट हो गया डेफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड तो डेफिशिट की कंडीशन कब होगी और इसको ट्रेड डेफिशिट भी कहते हैं तो ट्रेड डेफिशट की सिचुएशन कब होगी जब हमने बहुत सारा इम्पोर्ट कर लिया और हमने एक्सपोर्ट बहुत कम किया ठीक है तो ये हो गया डेफिट की कंडीशन तो आपको इस तरीके से याद करना है ठीक है कि डेफिशिट क्या होता है सरप्लस क्या होता है तो बहुत ही ईजी पॉइंट है अगर वीडियो ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है बैलेंस ऑफ़ ट्रेड क्या होता है ठीक है तो जब भी लिखिए लॉन्ग में आता तो पूरा आंसर समझाइए इसमें बैलेंस ऑफ़ ट्रेड के बारे में समझाइए फिर उसके बाद उसमें समझाइए कि बैलेंस ऑफ़ ट्रेड का डेबिट आइटम में क्या होता है क्रेडिट आइटम में क्या होता है दूसरा पॉइंट तीसरा बताइए सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है और डेफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है तो अगर आपसे केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पूछ लेता है टू मार्क्स में आता है तो आप दो लाइन समझा दिए बहुत है लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आपको ये पूरे पॉइंट समझाने पड़ेंगे और इसमें एम सी यू के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनेंगे एम सी यू के क्वेश्चन कैसे बनेंगे जैसे ये वर्ड हमने ट्रेड बैलेंस यूज़ कर लिया प्लस डेबिट क्रेडिट वाला वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया डेबिट में क्या होता है क्रेडिट में क्या होता है तो इस तरीके के आपके एम सी क्यू भी इसमें बन सकते हैं प्लस डेफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड ट्रेड डेफिशिट और या फिर आपका ये सरप्लस सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड ट्रेड सरप्लस ऐसे क्वेश्चन एम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो इसको प्रिपेयर करिए एकदम बेहतर तरीके से अब नेक्स्ट आते हैं नेट इन्विजिबल्स क्या होते हैं इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द इनविजिबल्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन पीरियड टाइम इनविजिबल्स इंक्लूड सर्विसेज ट्रांसफर्स एंड द फ्लो ऑफ इनकम डाट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंपनी डिफरेंट कंट्रीज सर्विसेस ट्रेड इंक्लूड्स बहुत फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम तो जब आप सर्विसेज के ट्रेड्स करते हैं ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द इन्विजिबल्स ऑफ द कंट्री इन विच ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन्विजिबल इंक्लूड सर्विसज यहाँ पे गुड्स की बात नहीं है गुड्स हमारा उधर आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में ठीक है यहाँ पे सर्विसेज ट्रांसफ़र एंड फ्लो ऑफ इनकम पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा आ रहा है तो ये दोनों चीज़ें अगर रहती हैं सर्विसेज हो गया और पैसे का ट्रांसफ़र हो गया तो वो हमारी इन्विजिबल्स में आते हैं ठीक है तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे गुड्स लेके मत चले आइएगा और अब देखिए एक चीज़ और नया यहाँ पे क्या बता रहा है सर्विस ट्रेड्स इंक्लूड्स बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम फैक्टर इनकम इंक्लूड्स नेट इंटरनेशनल अर्निंग ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर लैंड एंड कैपिटल नॉन फैक्टर इनकम इज द नेट सेल ऑफ द सर्विसेज़ प्रोड्यूस लाइक शिपिंग बैंकिंग टूरिज्म सॉफ्टवेयर एंड सर्विसम यहाँ पर अब फैक्टर और नॉन फैक्टर दो तरीके के इनकम दिखाई दे रहे हैं तो फैक्टर में आपके क्या क्या चीज़ें आएँगी किसी लेबर ने वर्क किया आपने कोई लैंड बेचा कोई कैपिटल हुआ मतलब जहाँ पे आप ले, लेबर लैंड और कैपिटल का यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ें जो हमारी आती हैं वो हमारी आएँगी किसमें फैक्टर इनकम में, में ठीक है और नॉन फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमने कोई सर्विसेज सेल कर दी ठीक है जैसे शिपिंग सर्विस सेल की बैंकिंग सर्विसेज सेल की टूरिज्म सर्विसेज सेल की सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेल की तो ये सब चीज़ें आपकी नॉन फैक्टर इनकम में आ जाएंगी तो इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम में क्या आपके आ, आ, अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है तो इसमें आपको लैंड लेबर लैंड और कैपिटल से जो चीज़ें हमारी आ, पैसे आते हैं इंटरनेशनल अर्निंग जो हमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम और जो हमारी सर्विसेज सर्विसेज मतलब हमने कोई सर्विस प्रोड्यूस किया शिपिंग की बैंकिंग की टूरिज़म की सॉफ़्टवेयर सर्विसेज ये सब चीज़ें से जो हमारी सर्विसेज आती हैं उसको हम लोग नॉन फैक्टर इनकम में कहते हैं तो ये पॉइंट को बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं इसके पीछे कारण क्या है कारण ये है कि आप इसमें गुड्स का भी एंट्री कर सकते हैं तो गुड्स की एंट्री मत करिएगा जो इन्विजिबल्स होते हैं इसमें हमारे सारे सर्विसेज ही आते हैं तो आपको यही दो लाइन याद करना है सर्विस एंड द ट्रांसफ़र एंड द फ्लो ऑफ इनकम दैट टेक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ ठीक है और जब इनकम हो जाएगा तो इनकम में दो तरीके के इनकम आ गए फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम क्लियर है कॉन्सेप्ट तो इस तरीके से लर्न करिएगा वीडियोज़ हमारे छोटे हैं इसीलिए एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है क्योंकि तो एम सी में आपको एक एक पॉइंट के अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बहुत ध्यान से समझिए कोई दिक्कत हो तो पूछिए इसको थैंक यू